हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी कार की फर्स्ट फ्री सर्विस के लिए जा रहा हूँ। लोग कहते हैं कि टाटा की आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है। आज देख लेते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। सर्विस करवाने के बाद मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि ये सर्विस कैसे होती है, इस सर्विस में क्या क्या होता है और क्या ये सर्विस फ्री है, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन जो मेरे माइंड में हैं जिनका आंसर मैं सर्विस करवाने के बाद दूंगा। तो अब चलते हैं सर्विस के लिए और आके मैं आपसे शेयर करूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो गाइज, मेरी कार की फर्स्ट फ्री सर्विस कंप्लीट हो चुकी है और जैसा मैंने आपसे कहा था कि कार की सर्विस के बाद मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कार की सर्विस कैसी रही, और जो भी क्वेश्चंस मेरे माइंड में थे सर्विस रिलेटेड उन सब का आंसर भी मैं यहां देने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, यानी आपकी कार की फर्स्ट फ्री सर्विस कब होती है, यानी इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप अपनी कार को 2000 किलोमीटर चला चुके हो तो आप फर्स्ट फ्री सर्विस के लिए एलिजिबल हो, या अगर वो नहीं भी चली है पर आपके 2 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं तो भी आप फर्स्ट फ्री सर्विस के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी फर्स्ट सर्विस में क्या क्या होता है। बेसिकली फर्स्ट फ्री सर्विस में कार का जनरल चेकअप ही होता है। इसमें वो आपके कार के एसी फिल्टर, एयर फिल्टर को क्लीन करते हैं, कोई नट बोल्ट अगर लूज है तो उसे वो टाइट करते हैं, कोई पाइप अगर लीक है तो उसे भी वो ठीक करते हैं, और साथ ही अगर कोई ऑयल जैसे कि इंजन ऑयल या ब्रेक ऑयल अगर वो कम हो गया है तो उसे भी वो टॉपअप करते हैं, और सबसे मेन बात अगर आपने अपनी कार में कोई इश्यू रिपोर्ट किया तो वो उसे भी सॉर्ट आउट करते हैं, और साथ ही आपकी कार को वॉश एंड पॉलिश भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या फर्स्ट फ्री सर्विस फ्री होती है या इसमें आपको कोई हिडन चार्जेस देने पड़ते हैं। वैसे तो फर्स्ट फ्री सर्विस फ्री होती है, बट हो सकता है कि आपके सर्विस सेंटर वाले आपकी कार को सैनिटाइज करें, और सैनिटाइजेशन के चार्जेस वो आपसे भी ले सकते हैं या फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं। जहां से मैंने अपनी कार की सर्विस कराई है वहां पर वो लोग कार को सैनिटाइज नहीं कर रहे थे, इसलिए मुझे कार की फर्स्ट सर्विस बिल्कुल फ्री पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फर्स्ट फ्री सर्विस में टाइम कितना लगता है। टाइम कितना लगता है ये डिपेंड करता है कि आपने डे कौन सा चूज किया है। मोस्टली लोग वीकेंड्स पे ही अपनी कार की सर्विस कराना प्रेफर करते हैं। इवन मैंने भी अपनी कार की सर्विस वीकेंड पर ही करवाई थी, यानी सैटरडे को करवाई थी, बट शायद मैं लकी था, ज़्यादातर कार मेरी कार की सर्विस स्टार्ट होने के बाद ही आनी शुरू हुई। टोटल टाइम जो मेरी कार की सर्विस में लगा वो था ऑलमोस्ट 3 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या सैनिटाइजेशन कंपलसरी है। ये एक्चुअली डिपेंड करता है आपकी सिटी पे और आपके सर्विस सेंटर पे। हो सकता है कि वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपनी और आपकी सेफ्टी के लिए आपकी कार को सैनिटाइज करें। हो सकता है कि वो कहें कि कार की सैनिटाइजेशन कंपलसरी है, या ये भी हो सकता है कि वो आपसे पहले कंफर्मेशन लें कि आप अपनी कार की सैनिटाइजेशन करवाना चाहते हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको अपनी कार की फर्स्ट फ्री सर्विस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या क्या क्या साथ लेके जाना है। मुझे टाटा मोटर्स के सर्विस डिपार्टमेंट से मेरी कार की ड्यू डेट से कुछ दिन पहले ही कॉल आ गई थी, और उन्होंने मुझे बताया था कि आपकी इस डेट को सर्विस ड्यू है, और उन्होंने मुझे कहा कि आपको अपने साथ कार की दोनों कीज, कार की RC और ओनर्स मैनुअल जिसमें फ्री सर्विस के कूपन होते हैं वो साथ लेके आने हैं। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है वो ओनर्स मैनुअल जिसके लास्ट पेजेस में फ्री सर्विस के कूपन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या आपको आपकी कार की सर्विस के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। मेरे केस में तो मुझे कार की फर्स्ट सर्विस की ड्यू डेट से 10 दिन पहले ही कॉल आ गई थी, और उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप किस दिन विजिट कर पाओगे। बट अगर आप फर्स्ट फ्री सर्विस की कंडीशंस को पहले ही पूरा कर लेते हो, यानी आप 2000 किलोमीटर 2 मंथ से पहले ही कवर कर लेते हो, तो आप उनको कॉल करके खुद सर्विस बुक करवा सकते हो। पर एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप अपनी कार की सर्विस के लिए बिना बुकिंग करवाए चले जाते हो तो वो आपकी कार की सर्विस तो करेंगे, पर हो सकता है कि आपको काफ़ी टाइम वेट करना पड़े, क्योंकि जिन कार की सर्विस की बुकिंग हो रखी होती है वो उनको पहले प्रायोरिटी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या हम अपनी कार की सर्विस ड्यू डेट के बाद भी करवा सकते हैं। वैसे तो हमेशा आप ट्राई करो कि फर्स्ट सर्विस का जो भी क्राइटेरिया आप उसे फॉलो करो, बट अगर किसी रीजन से ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी कार की सर्विस ड्यू डेट तक करवा लो, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके अपनी कार की सर्विस आगे शेड्यूल करवा सकते हो। इवन मैंने भी अपनी कार की सर्विस मेरी ड्यू डेट के 2 दिन बाद शेड्यूल करवाई थी, क्योंकि मेरी कार की सर्विस की ड्यू डेट वाले दिन थर्सडे था और थर्सडे जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट करके उनसे अपनी कार की सर्विस 2 दिन बाद की शेड्यूल करवाई। अगर रीज़न जेन्युइन होगा तो वो कोऑपरेट करते ही है, तो आप एक जेन्युइन रीज़न दे के अपनी कार की सर्विस को ड्यू डेट के बाद भी करवा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या हम अपनी कार की सर्विस किसी भी सर्विस स्टेशन से करवा सकते हैं या सिर्फ वहीं से जहां से हमने कार परचेज की थी। आप पूरे इंडिया में टाटा मोटर्स के किसी भी सर्विस स्टेशन से कहीं पर भी सर्विस करवा सकते हो, इसलिए ये कोई जरूरी नहीं है कि जहां से आपने कार परचेज की है सिर्फ वहीं के सर्विस सेंटर से आपको सर्विस करवानी है। बट बेटर तो यही है कि आपने जहां से कार परचेज की थी वहीं के सर्विस सेंटर से ही आप अपनी कार की सर्विस कराएं, क्योंकि आप उन लोगों से फेमिलियर भी होते हो और वो आपको बेटर भी ट्रीट करेंगे। अब सबसे मेन क्वेश्चन, यानी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा फर्स्ट सर्विस का। मैंने अपनी कार की फर्स्ट फ्री सर्विस पंचकुला ऑटोमोबाइल से करवाई है, और कार भी मैंने वहीं से परचेज की थी। वहां का सारा स्टाफ काफी कोऑपरेटिव है, एंड ऑनेस्टली मेरी कार की फर्स्ट फ्री सर्विस मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही हुई। आई एम फुली सेटिस्फाइड। वहां का कस्टमर वेटिंग एरिया भी काफी नीट एंड क्लीन था। कस्टमर्स के लिए वहां पर फ्री वाईफाई फैसिलिटी भी थी, पर मैंने वो यूज नहीं की। उन्होंने मुझे चाय कॉफी भी ऑफर की, और साथ ही वो अलाउ करते हैं कि आप अपनी कार की वॉशिंग एंड सर्विसिंग होते हुए आप देख सकते हो, जिसे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है।
कार की सर्विस कंप्लीट होने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आपको टाटा मोटर्स की तरफ से कॉल आएगी और वो आपसे पूछेंगे कि आपका फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप इसे 10 में से कितनी रेटिंग देते हो। सो गाइज, अगर आपकी फर्स्ट फ्री सर्विस आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग होती है तो आप उन्हें फुल रेट कर सकते हो, अदरवाइज जैसा आपको ठीक लगे। मैं डेफिनेटली उनको 10 में से 10 रेट करूंगा क्योंकि मेरे लिए काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लास्ट क्वेश्चन, यानी कि स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, यानी वो कहाँ पर इंप्रूव कर सकते हैं। वैसे तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और ये मेरी सजेशन है उनके लिए कि अगर वो कार को ट्रेडिशनल तरीके से, यानी कि वो बाल्टी में शैम्पू डाल के कपड़े से रगड़ के ना धो के फॉर्म वॉश करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फॉर्म वॉश में एक्चुअली कार के पेंट पे स्क्रैचेस आने के चांसेस नहीं रहते। कपड़े से रब करके धोने से चांसेस है कि आपकी कार के पेंट पे माइनस स्क्रैचेस आ जाएंगे, बट अगर फॉर्म वॉश करेंगे तो ये चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। वैसे तो कार को वॉश करते हैं वो काफ़ी ध्यान रखते हैं, पर स्टिल फॉर्म वॉश इज़ बेटर। तो गाइज, आई होप कि आपके काफ़ी सारे डाउट्स इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और जो जो फर्स्ट सर्विस करवा चुके हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट करके। और गाइज, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।